जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीर आज इस योजना से इतने परेशान हैं कि वो बहुत सारी बातें बता भी नहीं सकते। लेकिन दूसरी ओर सेना के ही कुछ अधिकारी समय समय पर इस योजना के बचाव में आकर इसकी तारीफें करते रहते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना का जो सच है उसे कोई दिखाना चाहे या ना दिखाना चाहे, लेकिन हम इस मुद्दे पर अग्निवीरों के साथ थे, साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और इस योजना के चलते जो आज सैनिकों के बीच में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव को सबके सामने लाकर रहेंगे। अग्निवीरों के साथ में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम यूं ही आवाज उठाते रहेंगे। और आप सभी से भी बस इतना कहना है कि अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम आप हमारे इन वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं। देखिए, आप सभी से कहना चाहेंगे कि आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपनी समस्या अपने विचार भी रखें। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर और जो पूरा देखने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे तो फिर YouTube एल्गोरिथम इस वीडियो को आगे से आगे और बहुत सारे लोगों के लिए इस वीडियो को रिकमेंड करेगा। और यह जो मुद्दा है, ये जो अग्निवीरों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, यह सच सभी के सामने आ सके, इसलिए आज आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, अभी ताजा मामला यह है कि पहले वायुसेना के अग्निवीर से एक स्क्रिप्टेड तरीके से अग्निपथ योजना की तारीफें कराई जाती हैं, उस अग्निवीर का इंटरव्यू दिलाया जाता है और अब खुद सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अग्निपथ योजना की तारीफें करते दिखे हैं। ओडिशा में अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान अग्निवीर योजना की प्रशंसा करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि यह पहल अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, अग्निपथ योजना को युवा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 बैचों में 2500 से अधिक अग्निवीरों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अग्निवीर बनने वाले युवा अत्यधिक प्रेरित उत्साही हैं और अग्निवीर योजना को वो बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए सर, हम भी मान लेंगे कि ये योजना बहुत अच्छी है, बस इस योजना में आप इतना सा काम कर लीजिए, ये जो बात जनरल मेजर जनरल बिशंबर दयाल कह रहे हैं, बस उतना सा बदलाव इस योजना में कर लीजिए। और पहले आप सुन लीजिएगा कि बिशंबर दयाल मेजर जनरल क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। आप 4 में से 1 आदमी लेंगे ना, तो पहले ऑफिसर से स्टार्ट कीजिए। आप असली तो लीडरशिप करने वाला ऑफिसर है, वो तो आप कह रहे हो 100% ऐसे कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी से आएगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि जिस तरह 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा, 4 में से 3 को बाहर किया जाएगा, उसी तरह का नियम सेना के अधिकारियों के लिए भी लागू कर दीजिए। 4 में से 3 को बाहर कीजिए और फिर अधिकारियों को तो पहले ही मोटी तनख्वाह मिलती है तो फिर उन्हें पेंशन की जरूरत ही नहीं होगी, उनकी पेंशन को भी बंद कर दीजिए। और ऐसा करने के बाद फिर एक बार उन तमाम अधिकारियों से पूछिएगा कि बताइए साहब, अब ये योजना कैसी है। हालांकि देखिए, हम अधिकारियों को भी गलत नहीं कहेंगे, गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि उन पर भी किसी तरह का दबाव हो, दबाव में आकर उनसे ये सब कहलवाया जा रहा हो। लेकिन अगर कोई फिर भी ये कहता है कि नहीं नहीं साहब, अग्निवीर योजना तो बहुत अच्छी है, तो फिर आप एक बार इस बात को अग्निवीरों से भी पूछकर देख लो, क्योंकि ये योजना जवानों के लिए है तो इस पर जवानों से ही बात की जानी चाहिए, उनसे ही पूछा जाना चाहिए अच्छी है गलत है वो ही बताएंगे, क्योंकि अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो इसे अच्छा कहेंगे। और जो ये कह रहे हैं ना कि अग्निपथ योजना अच्छी है, वो साहब एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें जो एक अग्निवीर ने पत्र लिखा है उस पत्र को भी आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में आप इस वीडियो के तमाम कमेंट को भी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि अग्निपथ योजना कितनी अच्छी योजना है और अग्निवीर इस योजना से कितने खुश हैं। देखिए, पहली बार किसी वीडियो पर हमने इतने सारे कमेंट देखे हैं और इन कमेंट को पढ़ने के बाद पता चलता है कि अग्निपथ योजना कितनी अच्छी है और अग्निवीरों के साथ सेना में इस योजना के तहत कितना भेदभाव किया जा रहा है, वो तमाम बातें आप यहां पर देख सकते हैं। इसलिए देखिए, सरकार को चाहिए कि वो इस योजना को लेकर कोई भी ऐसा फैसला ले जिससे कि अग्निवीरों के साथ ये जो बड़ा भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव खत्म हो सके, अग्निवीरों को भी वो तमाम लाभ मिलने चाहिए जो एक परमानेंट सैनिक को मिल रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी दोनों के ही बराबर है। और देखिए, यहां पर हम इस बात को भी क्लियर कर दें कि हम किसी सरकार का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस अग्निपथ भर्ती व्यवस्था में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस योजना के तहत अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वो भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये अग्निवीरों को भी वो लाभ मिलने चाहिए जो एक परमानेंट सैनिक को मिलते हैं।
देखिए अग्निवीरों के साथ होने वाले इस भेदभाव को लेकर भले ही कोई बोले या ना बोले, चुप रहे भले ही, लेकिन हम इसको लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे और तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक इस योजना में या तो बदलाव नहीं किए जाते हैं या तो फिर इस योजना को ही पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता है। और अगर किसी ज्ञानी को हमारी बातें गलत लगती हैं तो वो कमेंट करके यहाँ पे हमें अपना ज्ञान दे सकते हैं, हम उसको जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे कितना ज्ञान है। बाकी जो भी लोग हमारी बातों से सहमत हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो अग्निवीरों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है यह सच सभी के सामने आ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।